आज मैं लाया हूँ दो ऐसा टॉपिक जहाँ अक्सर लर्नर कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये दोनों एक है, जबकि ऐसा नहीं है। यानी आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नन अदर देन और नो अदर देन में क्या फर्क है और किस कंडीशन में आप इन दोनों का यूज करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले सीखे नन अदर देन क्या है। नन अदर देन का मतलब होता है कोई दूसरा नहीं बल्कि, और इस टॉपिक का यूज हम तब करेंगे जब हम किसी इंसान के नाम पर फोकस कर रहे हों या जोर देकर बोल रहे हों कि कोई और नहीं बल्कि यह है। जैसे, वह कोई दूसरा नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज नन अदर देन योर ब्रदर। वह कोई दूसरा नहीं सलमान खान है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज नन अदर देन सलमान खान। वह कोई दूसरा नहीं तुम्हारे पापा हैं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज नन अदर देन योर डैड। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूं कि अक्सर लोग यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर देते हैं, यानी देन के बाद वो कहते हैं बट। जैसे, वह कोई दूसरा नहीं तुम्हारा दोस्त है। तो कई बार लोग इस तरह के सेंटेंसेस को ऐसे कहते हैं ही इज नन अदर देन बट योर फ्रेंड, जबकि ऐसा कहना सरासर गलत है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। आप कहेंगे ही इज नन अदर देन योर फ्रेंड, यानी वह कोई दूसरा नहीं तुम्हारा भाई है। वे कोई दूसरे नहीं तुम्हारे पड़ोसी हैं। तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे आर नन अदर देन योर नेबर्स। वह कोई दूसरा नहीं तुम्हारे अंकल हैं। ही इज नन अदर देन योर अंकल। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला कंसेप्ट समझ में आया कि नन अदर देन का मतलब होता है कोई दूसरा नहीं बल्कि, और इस टॉपिक का यूज आप तब करेंगे जब आप किसी नाउन पर फोकस कर रहे हो, बातों के दौरान किसी नाउन पर जोर देकर बोल रहे हो। नो अदर देन का मतलब होता है कुछ और नहीं बल्कि। जैसे, मैं कुछ और नहीं बल्कि पढ़ा सकता हूँ, यानी मैं और कोई काम नहीं कर सकता हूँ बल्कि पढ़ा सकता हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कैन डू नो अदर देन टीचिंग, यानी पढ़ाने के सिवा और मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ या और कुछ नहीं कर सकता हूँ। वह खाना पकाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती है, या वह कुछ नहीं कर सकती है बल्कि खाना पका सकती है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी कैन डू नो अदर देन कुकिंग, यानी वह खाना पकाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती है। मैं बिजनेस के अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कैन डू नो अदर देन बिजनेस, यानी मैं बिजनेस के अलावा या बिजनेस को छोड़कर और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये बात समझा कि नन अदर देन का मतलब होता है कोई दूसरा नहीं बल्कि, वहीं दूसरी तरफ नो अदर देन का मतलब होता है कुछ और नहीं बल्कि। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।